नमस्कार, गोरखपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से फरियादियों की फरियाद को सुना और अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। सीएम ने सभी को आश्वस्त किया कि किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर समस्या का वह प्रभावी निस्तारण कराया जाएगा, पीड़ित को हर संभव मदद हो। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वो एक ही है ना, जिसको पकड़ लेते हैं हम, करना क्या हो गया। गोरखनाथ मंदिर में नौ देवी ग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में रविवार देर शाम आयोजित भजन संध्या में दिग्विजयनाथ स्मृति भवन पूरा भरा था। श्रद्धालु भजन गायक कन्हैयालाल मित्तल की सुर लहरियों पर झूमते रहे। अपनी ख्याति के अनुरूप कन्हैया ने हृदय को संपादित कर देने वाली एक से एक बढ़कर प्रस्तुतियाँ दी। मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी भजन संध्या में सम्मिलित हुए। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में आयोजित भजन संध्या का शुभारंभ गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ एवं भजन गायक कन्हैया मित्तल ने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं अवैधनाथ के चित्र पर पुष्पांजलि कर किया। इसके बाद शुरू के तराने से कन्हैया मित्तल ने देवी देवताओं का आवाहन करते हुए श्रद्धालुओं को झुमाना शुरू किया। उन्होंने खाटू वाले श्याम जी की कमाल हो गया से श्याम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है और हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है जीतूंगा एक दिन पर श्रद्धालु झूम उठे। थाना क्षेत्र के बेतियाहाता में स्थित मानसी हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर पंकज कुमार दीक्षित ने बताया कि उन्होंने डॉक्टर एलबी गुप्ता से अपने हॉस्पिटल के पीछे के हिस्से को किराए पर लिया था, जिसकी नोटरी 1 फरवरी 2020 को दोनों पक्षों में समझौते के आधार पर हुई थी। उस समय चेक से 2 लाख रुपए मेरे द्वारा दिया गया था, इसका जिक्र नोटरी में किया गया था। हमारी किराएदारी आगामी 31 मार्च 2028 तक की है, लेकिन कुछ महीनों से हॉस्पिटल खाली करने के लिए इनके द्वारा मुझे नोटिस भी भेजा गया। जब मैंने इस नोटिस का जवाब में
कोर्ट में देने की बात कही तो वह नाराज हो गए और आज अपने कुछ साथियों के साथ मेरे हॉस्पिटल में पहुंचकर इस घटना को अंजाम दिया। डॉक्टर एलबी गुप्ता द्वारा जबरन हमारे हॉस्पिटल को खाली कराने के लिए लगातार परेशान किया जा रहा है। 21 मई की दोपहर अपने कुछ साथियों के साथ यह हमारे हॉस्पिटल के पिछले हिस्से में दाखिल हुए और मौजूद मरीज के बेड को धकेल कर इधर उधर कर दिया और इलाज के दौरान अराजकता फैलाने लगे। मैंने इनकी लिखित सूचना कैंट पुलिस को दी है। हालांकि कैंट थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा दल बल के साथ हॉस्पिटल पहुंचे और घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, साथ ही बातचीत कर पूरे मामले को जानकारी भी हासिल की। बता दें कि बेतियाहता के हॉस्पिटल संचालकों में शुरू से ही वर्चस्व को लेकर लड़ाई हुआ करती है। कई बार बड़ी घटनाएं भी हो चुकी है। कई हॉस्पिटल के ठेकेदारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके बावजूद हमेशा ऐसी दबंगई देखने को मिलती है। हालांकि पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस लगी हुई है, लेकिन अब मानसी हॉस्पिटल के संचालन को अपनी जान माल को लेकर खतरा सता रहा है। उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल से जाते समय इन लोगों ने खुले तौर पर धमकी दिया है कि या तो तुम अपना हॉस्पिटल खाली करो, नहीं तो तुम्हें फर्जी मुकदमे में फंसा कर जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया। सुबह 10 बजे करीब मेरे को यहाँ से हॉस्पिटल से कॉल गया कि सर कुछ लोग आए हुए हैं एलबी गुप्ता के साथ, यहाँ पे गाली गलौज कर रहे हैं और हॉस्पिटल खाली करने की बात कर रहे हैं। तो मैंने एलबी गुप्ता सर को फ़ोन भी किया कि सर अभी तो हम लोगों का ये रिटर्न कंप्लेंट हुआ था तो आपने दिया था जवाब, मैंने उसका लेटर के थ्रू भेज दिया था। तो उन्होंने कहा कि अब उसका कोई मतलब नहीं है, मैं खाली कराऊँगा, मैं अपना काम करूँगा, तुमको जो करना है कर लो। अच्छा, आपने लिया है इनको किराए पे कब, जी? तो ये वैधता कब तक है? 2028 तक की वैधता है इसकी। अच्छा, किससे लिया है आपने? डॉक्टर एलबी गुप्ता सर से। ये कौन है? डॉक्टर डीएम गैस्ट्रो हैं, डॉक्टर एलबी गुप्ता। तो उनकी जमीन है या नहीं? वो भी रेंटेड ही है, वो किसी सिंह साहब है। यहाँ न्यायालय में चल रहा है अभी, लेटर दिया गया था वकील के थ्रू आ रहा है। तो आज क्या घटना हुई? आज घटना ये हुई है कि सुबह ये लोग कुछ लोगों के साथ आए और यहाँ पर ज़बरदस्ती खाली कराते रह गए और गाली गलौज कर रहे थे, धक्का दे रहे थे मरीजों को, जो अच्छा नहीं है। क्या इसका कोई फुटेज है? जी, मेरे पास फुटेज है, मैं अभी आपको उपलब्ध करा दे रहा हूँ। जी, उसका कैंट थाने पे मैंने तहरीर दे रखी है, अभी FIR दर्ज नहीं हुई लेकिन मैंने तहरीर दे रखी है। पुलिस कह रही है कि अभी फिलहाल पुलिस ने उसी समय त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ पे यथास्थिति बनवा दी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि FIR दर्ज हो इस पर। आपको जाते समय कुछ जान माल की धमकी भी देखते हुए लोग? ये लोग कह के गए हैं कि देखता हूँ कैसे हॉस्पिटल चलाते हैं, किसी न किसी तरह के फर्जी मुकदमे में आपको फंसाएंगे। जो गुप्ता जी से आपकी बात हुई है, क्या वो रिकॉर्ड? जी, रिकॉर्ड में है मेरे पास। क्या नाम है आपका? डॉक्टर पंकज कुमार दीक्षित। किस नाम से हॉस्पिटल है? मानसी हॉस्पिटल। वाराणसी मंडल के बनारस, छपरा एवं मऊ स्टेशनों के कोचिंग डिपो के सभी रैकों में 15 मई 2023 के अनुबंध के अनुसार नया ऑन बोर्ड लिनन वितरण OBLD शुरू कर दिया गया है। इससे पूर्व यात्रियों को ऑन बोर्ड लिनन वितरण स्टाफ एवं अन्य सेवाएं जैसे ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस, OBHS वातानुकूलन, AC, मैकेनिक कर्मियों के बीच पहचान करने में समस्या हो रही थी तथा इस संबंध में रेल मदद पोर्टल के माध्यम से शिकायत एवं सुझाव प्राप्त हो रहे थे। तदनुरूप रेलवे प्रशासन द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों के ड्रेस कोड में परिवर्तन किया गया है। नए ड्रेस कोड के अनुसार ऑन बोर्ड लिनन वितरण OBLD कर्मियों को नीले रंग का ड्रेस तथा उच्च दृश्यता वाली नारंगी जैकेट प्रदान किया जाएगा। जैकेट पर बेडरोल एवं AC लेबल अंकित होगा और इस नई व्यवस्था में आगमन एवं प्रस्थान दोनों स्टेशनों पर ऑन बोर्ड लिनन वितरण OBLD कर्मचारियों की ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS कैमरा द्वारा उपस्थित दर्ज की जा रही है और इस नई व्यवस्था से ट्रेन में यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिसका सीधा लाभ यात्रियों को मिलेगा। वाराणसी मंडल में इस नई व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। इस सुविधा पर मिले फीडबैक के आधार पर आगे अन्य कोचिंग डिपो में भी इस प्रकार की व्यवस्था लागू की जाएगी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपमिश्रित कच्ची शराब के निष्कर्षण विक्रय अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन एवं पुलिस उपाधीक्षक कैंट जनपद गोरखपुर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना खोराबार व उनकी टीम को लगाया गया था, जिसके क्रम उप निरीक्षक रामानु सिंह हमराह द्वारा मुखबिर सूचना पर अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण करते दो अभियुक्तगढ़ संजय पासवान पुत्र राम प्रताप निवासी माड़ापार थाना खोराबार जनपद गोरखपुर, इरफान खान पुत्र मैनुद्दीन निवासी रुद्रापुर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर को 10 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 400 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम नौसादर के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक रामानु सिंह यादव, अशोक सरोज कृष्ण कुमार दुबे, मनीष राजभर, सुभाष वर्मा शामिल रहे।